आप सभी को मेरा प्रणाम। हर्बल रेमेडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर पर्पल कलर के फूल वाले औषधीय वृक्ष की चर्चा करेंगे। साथियों, हिंदी में नुपुर के नाम से हम इस वृक्ष को जानते हैं। सुंदर इसके पत्र और इसके फूल आप देख रहे हैं। सभी औषधीय भाग इस पौधे के औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं। साथियों, मुख्य रूप से वात और पित्त का शमन करने वाला ये प्लांट होता है। कटिंग के माध्यम से, ग्राफ्टिंग के माध्यम से और सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में इसको किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। इसकी छाल का उपयोग आप नसों में होने वाले दर्द, मसल्स के पेन के समाधान के लिए कर सकते हैं। मित्रों, नसों का जो दर्द होता है वो नेचुरली बहुत कष्टकारक होता है और पेन किलर से भी नहीं जाता है। वेरिकोज वीन का जो पेन होता है वो भी इसी तरह का पेन होता है, नसों का पेन होता है, और मसल का जो पेन होता है वो भी काफ़ी कष्टदायक होता है। नर्व्स और मसल के पेन को दूर करने वाला होता है। इसकी बार्क को आप पेस्ट बनाकर वेरिकोज वीन की समस्या हो वहाँ लगा सकते हैं। इसके फूल का जो आप देख रहे हैं इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन कर सकते हैं। 100 ml आप लूक वार्म वाटर ले लीजिए और 20 ग्राम इसके फूल को कलेक्ट करके डाल दीजिए। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको छान के आप उपयोग में लाइए। एक बार में 10 से 15 ml इन्फ्यूज़न का सेवन करना चाहिए। शरीर की वात और पित्त की समस्या को दूर करता है और न्यूरोमस्कुलर पेन, नर्व्स का पेन और मसल्स का पेन उसको दूर करता है। मित्रों, इसके फूलों का पेस्ट बनाकर आप वेरिकोज वीन पे भी लगाएंगे तो वहाँ भी वो फायदा करता है। छाल मिल जाए तो उत्तम होता है। छाल में औषधीय घटक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे वेरिकोज वीन की समस्या को दूर करते हैं। इसके कोमल पत्र आप विभिन्न प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका काढ़ा बनाकर स्नान कर सकते हैं, स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। स्किन के ऊपर अगर कोई माइक्रोबियल, फंगल, बैक्टीरियल, वायरल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है वो भी दूर हो जाता है। वास्ट थेरापेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट की होती है। साथियों, कई बार एंटीबायोटिक्स और पेन किलर के लेने के बाद बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो ऐसे रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोकने के लिए आप इसके पत्र का डिकॉक्शन अगर सेवन करते हैं तो बॉडी में बैक्टीरियल, फंगल, वायरल किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस बॉडी शो नहीं करती है और अच्छी एक्टिविटी करते हुए इन सब को, हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट करते हुए दूर करती है। तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने का भी ये कार्य करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव उसको दूर करने का इसका कार्य होता है। न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी इसकी होती है। मानसिक तनाव आजकल दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है और इससे हम बचने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिर भी मानसिक तनाव हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हो ही जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी आप इसके इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए। मित्रों, न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी ये किस प्रकार से शो करता है? ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करने वाला एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टरेज का इनहिबिशन करता है। एसिटाइल कोलिन का ड्यूरेशन बढ़ाता है और न्यूरोप्रोटेक्टिविटी एक्टिविटी अपनी शो करता है। विभिन्न प्रकार के न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी इसकी अच्छी एक्टिविटी देखी जाती है। साथियों, वात और पित्त कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है, ट्यूमर्स की जो समस्या होती है, उसके निराकरण के लिए भी हम इसको उपयोग में लाते हैं। बिग्नोनियसी फैमिली का एक मेंबर है। डाययूरेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं। रेमेडिएशन करते हुए शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालता है। लीवर का भी ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फ्री रेडिकल स्क्वेंजिंग एक्टिविटीज के अंदर होती है। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाला होता है। मित्रों, मैच्योरिटी के समय ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाते हैं और इसके अंदर आने वाले बीज से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है। इसकी पॉड का उपयोग आप वुंड हीलिंग के लिए कर सकते हैं, घाव को भरने के लिए कर सकते हैं, चर्म रोगों की समस्या हो
तो इसकी पोड का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। एंटी फंगल एक्टिविटी इसके पोड की होती है। मित्रों, जॉइंट पेन के लिए, रूमेटिक आर्थराइटिस की समस्या के लिए, गाउट के लिए, इन सब के लिए भी आप इसका बार्क का डिकॉक्शन सेवन कीजिए और साथ ही साथ पत्र और फूल का पेस्ट बनाकर लगाइए और रात को आप इसको पुलटिस बांध कर सो जाइए और अगले दिन कुनकुने पानी से वॉश कर लीजिए। आप 2 से 3 दिन में देखेंगे चमत्कारी प्रभाव के शो करते हुए। इन्फ्लामेशन को दूर करता है, जॉइंट पेन को दूर करता है। मल्टीपल थेरापेटिक एक्टिविटीज़ इस प्लांट की हैं। आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम ऑफ हीलिंग में काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है औषधीय गुणों के लिए, और मॉडर्न मेडिसिंस बनाने के लिए, सिंथेटिक और बायो मेडिसिंस बनाने के लिए इसके एक्टिव कॉन्स्टेंट से काफ़ी इनोवेटिव रिसर्चेस हो रही हैं। इस प्रकार से हम इसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसर्च के लिए, इनोवेटिव हर्बल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। जानकारी को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। जानकारी का शेयर करना बेहद आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।